आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामदास पेट में स्थित केस कर्तनालय के संचालक अनंता कोलकर द्वारा देश सेवा में अपना योगदान दे रहे पुलिसकर्मी, पत्रकार और डॉक्टरों के लिए निःशुल्क बाल काटने की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर अनंता कोलकर ने कहा कि यह पहल इसलिए शुरू की गई है क्योंकि ये सभी घटक राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री हनुमान चौक गणेशोत्सव मंडट दगड़ी पुल का राजा के गणपति मंडट पंडाल का भूमि पूजन कार्यक्रम कल संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक श्री वसंत जी खंडेलवाल, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रकाश जी मिश्रा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडट के महासचिव श्री सिद्धार्थ जी शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला जिले के पातुर तालुका के कोस गांव के एक जिला परिषद शिक्षक स्कूल में नशे में पाया गया इस शराबी शिक्षक का नाम दिनेश कुमार मुंडे है। ग्रामीणों ने उसे नशे की हालत में स्कूल में 14 अगस्त को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस शिक्षक पर कार्यवाही नहीं की गई तो 16 अगस्त से विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। अकोला जिलाधिकारी अजीत कुम्भार जी द्वारा कल अकोला जिलाधिकारी परिसर में शासकीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अकोला के कावड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रशासन की ओर से दी जाएंगी। इस उत्सव को शांतिपूर्ण माहौल में पूरा करने तथा अनुशासित ढंग से पूरा करने के लिए सभी मंडल प्रशासन को सहकार्य करें, ऐसी अपील अकोला के जिलाधिकारी अजित कुम्भार ने की है। इन दिनों विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की विशेषता वाली लोनार झील परिसर में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग इस परिसर में वन विहार का भरपूर मजा ले रहे हैं। इस सप्ताह भारी पर्यटकों की भीड़ झील के किनारे देखने को मिली। राज्य सरकार द्वारा लोनार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने विविध योजना चलाई जा रही है। महिला यात्री श्रीमती इंदु सिंघानिया अकोला से मुंबई की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। प्लेटफॉर्म पर जाते समय उनका पर्स पार्किंग एरिया में गिर गया। गश्त पर निकले पुलिस कांस्टेबल संतोष वडगिरे और विजय रेवेकर को पर्स मिला। उक्त पर्स में एक मोबाइल फोन व 7,000 रुपये नकद, कुल 20,000 रुपये थे। उक्त महिला से संपर्क किया गया और सामान सहित उसका पर्स उसे वापस कर दिया गया। राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में जिला परिषद पशु संवर्धन विभाग का दुधारू जानवर घोटाला उजागर होने के बाद जिला परिषद पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर गजानन एम दलवी को शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस संबंध में आदेश 8 अगस्त को जारी किया गया था। अकोला पुलिस व रेल पुलिस ने संयुक्त से अकोला रेलवे स्टेशन के टिकट घर तथा परिसर में 14 अगस्त को मॉक ड्रिल का प्रात्याशिक किया गया। इस मॉक ड्रिल में स्टेशन में घुसे आतंकवादियों ढेर किया गया। इस मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। रेलवे स्टेशन पर चल रही मॉक ड्रिल के दौरान कुछ समय के लिए यात्रियों में हड़कंप मच गया था। श्रीमती राधा देवी गोयनका महिला महाविद्यालय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम भरतिया सेवा सदन के अध्यक्ष दिलीप राज जी गोयनका, उपाध्यक्ष रवि कुमार जी गोयनका, सचिव आलोक कुमार जी गोयनका, प्राचार्य डॉक्टर चारुशिला रुमाय, उपप्राचार्य डॉक्टर अबादास पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।